जनहित को देखते हुए रेल प्रशासन ने भले ही तार बहार में अंडर ब्रिज का निर्माण करा दिया है, लेकिन इस मार्ग में आने जाने वाले राहगीर अभी भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि अंडर ब्रिज निर्माण को छोटे बाईपास फाटक तक जोड़ा जाना चाहिए था। राहगीरों का यह भी कहना है कि इस बाईपास फाटक को पार करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ रोजाना भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति भी बनी रहती है और दुर्घटना का भय भी यहाँ लगा रहता है। भैया फाटक बंद हो जाता है तो दोनों तरफ जाम हो जाता है और ये अंडर ब्रिज बनाने का कोई मतलब नहीं है। रात को सवेरे देखो तो 4 बजे लाइट बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, आने जाने में असुविधा हो जाता है। जाम देखो तो गुरुद्वारा के उस तरफ पार हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या भाई यहाँ पे तो ट्रैफिक की है। फाटक बंद होता है, 5 मिनट के लिए ट्रेन निकलता है, उसके बाद ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि कई बार तो गाली गाली गलौच होता है, मारपीट का भी नौबत आ जाता है। ट्रैफिक का बहुत समस्या है यहाँ पे। अंडर ब्रिज बना है लेकिन पूरे तरीके से उसको नहीं बनाया गया है, आधा अंडर ब्रिज बना है, 2 लाइन छोड़ दिया गया है।